Welcome to the Formula Foundation. In the previous video, we have seen that what is limit comparison test and how to use it. Now in this video, we are going to prove it. So what is limit comparison test? Let these are two series of positive terms. Then first part of the test says if limit n tends to infinity of the quotient of nth term of both of the series is equal to L and L is not equal to 0, then either both of the series converges or both diverges. मीन्स अगर सीरीज ए एन और सीरीज बी एन की nth टर्म को क्वेश्चन के फॉर्म में लिखें और फिर लिमिट चेक करें एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो अगर लिमिट एक नॉन जीरो डेफिनेट नंबर है तो फिर या तो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों सीरीज डाइवर्जेंट होंगी. रिमेंबर दैट एक सीरीज ए एन हमें गिवन होगी और दूसरी सीरीज बी एन हम खुद बनाएंगे. सो नाउ लेट मी प्रूव फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम. सो प्रूफ. नाउ नोटिस दैट ऑल द टर्म्स ऑफ बोथ ऑफ द सीरीज आर पॉजिटिव. That is since all the terms of series 1 to infinity an and series 1 to infinity bn are positive and limit is not equal to 0. So, kyunki terms positive hai, to limit bhi positive hogi. So, we must have limit n tends to infinity a n upon b n is equal to l is greater than 0. Now अगर इस लिमिट को बाई डेफिनेशन देखें तो इसका क्या मतलब है. गिवन epsilon is greater than 0, there exist a positive number या integer n such that modulus of the quotient minus n is less than epsilon for all n is greater than or equal to n. Means अगर इस quotient की limit l है so by definition इसका क्या मतलब है कि कुछ particular number of terms के बाद means capital N के बाद means ये जो number of terms है capital N इन number of terms के बाद जो terms हैं उनमें से हर दो terms के दरमियान जो difference है वो बहुत ही छोटा है. मीन्स वो जो डिफरेंस है वो लेस है एप्साइलन से. नाउ हाउ टू एवेल्यूट दिस मॉडुलस. इट मीन्स दैट माइनस एप्साइलन इज लेस देन ए एन अपॉन बी एन माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन. और वी कैन राइट एल माइनस एप्साइलन इज लेस देन ए एन अपॉन बी एन इज लेस देन एल प्लस एप्साइलन. मीन्स इफ वी एट बोथ साइड्स एल सो वी हैव दिस फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन. मीन्स कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स के बाद. नाउ इफ वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एल. मीन्स इफ वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाफ एल देन इट बिकम्स एल माइनस एप्सिलॉन. एंड व्हाट इज एप्सिलॉन? हाफ एल इज लेस देन ए एन अपॉन बी एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन. मीन्स हाफ एल. सो इफ वी सिंप्लीफाई इट वी हैव half L is less than A n upon B n is less than L plus half L is equal to 3 by 2 L for all n is greater than n. Or we can write half L times B n is less than A n is less than 3 by 2 L B n and it is inequality 1 for all n is greater than n. अब हमें ये प्रूफ करना है कि if the limit of the quotient is not equal to 0 then either both of the series converges or diverges. Remember that is statement ka converse bhi true hai. So let me first consider convergence. Means statement says if series an is convergent then series bn also convergent and similarly if bn convergent then also an convergent aur isi tarah divergence mein bhi hoga. Now let series an converges. मीन्स ए एन एक फाइनाइट सीरीज है जैसे फॉर इंस्टेंस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू ए एन प्लस ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन. एंड लेट सपोज ये सीरीज कन्वर्जेंट है. अब अगर मैं इस सीरीज की ये टर्म्स मीन्स ये टर्म्स इन टर्म्स के अलावा यहाँ से टर्म्स स्टार्ट करूँ मीन्स यहाँ से अगर मैं टर्म्स लूँ ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू अप टू सो ऑन तो क्या ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी. मीन्स ये जो सीरीज़ ये पूरी सीरीज़ तो कन्वर्जेंट है लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ से टर्म्स लेती हूँ ए एन प्लस वन मीन्स अगर सीरीज़ की फर्स्ट टर्म ए एन प्लस वन हो तो क्या अब ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी. यस ऑब्वियसली
बिकॉज यू नो कि अगर हम किसी सीरीज़ में कुछ टर्म्स ऐड करें या फिर डिलीट करें सो उससे सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स अगर कन्वर्जेंस है तो कन्वर्जेंस ही रहेगी चाहे हम उसमें कुछ टर्म्स ऐड करें या फिर उसमें से कुछ टर्म्स डिलीट करें। और इसी तरह वो सीरीज़ अगर डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी अगर हम उसमें से कुछ सीरीज़ ऐड करें कुछ टर्म्स ऐड करें या फिर कुछ टर्म्स डिलीट करें, राइट। सो लेट दिस सीरीज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेंस देन सीरीज़ एन टू फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस। मीन्स अगर 1 टू एन कन्वर्जेंट है सो फ्रॉम एन टू मीन्स अगर यहाँ से लें तो यहाँ से जो टर्म्स हैं वो उसकी जो सीरीज़ है वो भी कन्वर्जेंट होगी। नाउ कंसिडर द लेफ्ट हाफ इनइक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी ऑफ वन मीन्स फर्स्ट। सो अब यहाँ पर जो ए एन है वो अगर इस सीरीज़ की nth टर्म है बिकॉज इन दोनों सीरीज़ की nth टर्म सेम होगी सो इस सीरीज़ की अगर nth टर्म है मीन्स हेयर समेशन n टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस। अब ए एन मीन्स अगर ये कोई ये किसी सीरीज़ की nth टर्म है अगर 1/2 l टाइम्स b n अगर किसी सीरीज़ की मीन्स कोई सीरीज़ है उसकी nth टर्म है सो इसका क्या मतलब है कि इसके किसी सीरीज़ की nth टर्म उस ए सीरीज़ ए एन की nth टर्म से छोटी है। इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज़ की हर टर्म इस सीरीज़ की हर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से छोटी है। सो अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी सो ऑब्वियसली ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी बिकॉज ये सीरीज़ इससे छोटी है, राइट। नाउ यू नो कि अगर लेट्स सपोज एक सीरीज़ है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू CN प्लस CN प्लस 1 प्लस CN प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन। अब अगर मैं इस सीरीज़ को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं सो तब भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स लेट्स सपोज अगर मैं इस सीरीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करती हूं सो ये क्या होगी 2 टाइम्स C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सो ऑन। मीन्स ये सीरीज़ 2 से मल्टीप्लाई होगी तो अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी और अगर डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। मीन्स किसी सीरीज़ को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस प्रिजर्व रहती है, राइट। नाउ अभी तक हमने ये प्रूफ किया है कि जो सीरीज़ है फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी ए एन वो कन्वर्जेंट है और क्योंकि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है और ये जो सीरीज़ है 1/2 l × l bn वो छोटी है ए एन से सो ये भी कन्वर्जेंट है। मीन्स हमने क्या प्रूफ किया है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। नाउ अगर ये सीरीज़ 1/2 सीरीज़ एन टू इन्फिनिटी फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी l × bn इज़ कन्वर्जेंट देन सीरीज़ एन टू इन्फिनिटी l × 1/2 bn ऑल्सो कन्वर्जेंट। मीन्स अगर इस सीरीज़ में मैं एल से डिवाइड कर दूँ इस सीरीज़ की हर टर्म को सो ये क्या हो जाएगी 1/2 bn सो ये अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट रहेगी, राइट। नाउ इसी तरह अगर ये कन्वर्जेंट है सो सीरीज़ एन टू इन्फिनिटी बी एन ऑल्सो कन्वर्जेंट बिकॉज अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से सो ये सीरीज़ क्या हो जाएगी सीरीज़ फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी बी एन सो अगर ये कन्वर्जेंट है सो ये भी कन्वर्जेंट होगी। नाउ वही कॉन्सेप्ट कि अगर इसमें इस सीरीज़ में कुछ टर्म्स ऐड कर दी जाएँ मीन्स ये जो सीरीज़ है वो है फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी सो अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है सो अगर इसमें ये टर्म्स ऐड कर दी जाएँ मीन्स सीरीज़ 1/2 bn मीन्स अगर ये टर्म्स ऐड कर दी जाएंगी तो सीरीज़ क्या होगी सीरीज़ फ्रॉम 1/2 bn इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। सो इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट कि इफ़ सीरीज़ फ्रॉम 1/2 ए एन कन्वर्जेस देन सीरीज़ 1/2 bn ऑल्सो कन्वर्जेस। इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट समेशन 1/2 ए एन कन्वर्जेस सो डज समेशन 1/2 bn। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इफ सीरीज बी एन कन्वर्जेस देन दिस सीरीज ए एन ऑल्सो कन्वर्जेस। अब इसी स्टेटमेंट की डाइवर्जेंस टेस्ट प्रूव करते हैं। अभी हमने क्या प्रूव किया
कि अगर सीरीज़ ए एन कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ बी एन भी कन्वर्जेंट होगी। अब हम ये प्रूव करते हैं कि अगर सीरीज़ ए एन डाइवर्जेंट है तो सीरीज़ बी एन भी डाइवर्जेंट होगी। सो नाउ कंसीडर राइट हाफ ऑफ इनइक्वालिटी वन। एंड व्हाट इज़ इनइक्वालिटी वन? इनइक्वालिटी वन इज हाफ टाइम्स एल टाइम्स बी एन इज लेस देन ए एन एंड इट इज़ लेस देन 3/2 एल टाइम्स बी एन, राइट? इट इज़ इनइक्वालिटी वन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन एन। नाउ लेट सपोज लेट सीरीज 1 to infinity बी एन डाइवर्जेस। यू नो कि अगर सीरीज फ्रॉम 1 to infinity डाइवर्जेंट है तो सीरीज फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी भी डाइवर्जेंट होगी, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट बिकॉज डिलीशन एंड इंसर्शन प्रिजर्व्स द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। नाउ बिकॉज दिस सीरीज डाइवर्जेस सो सीरीज बिकॉज समेशन एन टू इन्फिनिटी बी एन डाइवर्जेस सो सीरीज एन फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी 3/2 एल टाइम्स बी ऑल्सो डाइवर्जेस डाइवर्जेस बिकॉज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 3/2 एल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीरीज़ को। सो अगर इस सीरीज़ को 3/2 मीन्स एक कॉन्स्टेंट नंबर, क्योंकि 3/2 एल एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो अगर इस कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सीरीज़ की हर टर्म को सो सीरीज़ की डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस प्रिजर्व रहेगी। सो अगर ये डाइवर्जेंस है तो ये सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। नाउ बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, यू नो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट इफ ए एन मीन्स nth टर्म ऑफ द सीरीज ए एन इज लेस देन nth टर्म ऑफ द सीरीज बी एन मीन्स ईच टर्म ऑफ द सीरीज ए एन इज लेस देन ईच टर्म ऑफ द सीरीज मीन्स कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीरीज बी एन देन इफ समेशन 1 to infinity ए एन डाइवर्जेस सो डज समेशन 1 to infinity बी एन मीन्स बी अगर ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो ये सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। सो हेयर इज द सेम केस दैट ए एन इज लेस देन 3/2 टाइम्स एल टाइम्स बी एन एंड हेयर द सीरीज दिस सीरीज डाइवर्जेस सो सीरीज ए एन ऑल्सो डाइवर्जेस मीन्स इफ दिस सीरीज डाइवर्जेस सो दीरीज समेशन एन टू इन्फिनिटी ए एन डाइवर्जेस बिकॉज सीरीज एन टू इन्फिनिटी 3/2 टाइम्स एल टाइम्स बी एन डाइवर्जेस एंड सिंस दिस सीरीज डाइवर्जेस सो सीरीज 1 to infinity ए एन डाइवर्जेस बिकॉज इफ यू इंसर्ट सम टर्म्स फ्रॉम 1 to n और n माइनस 1 सो इट ऑल्सो डाइवर्जेंट सो इट मीन्स दैट दिस सीरीज डाइवर्जेस। सो वी हैव प्रूव्ड दैट इफ सीरीज 1 to infinity बी एन डाइवर्जेस देन द सीरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन ऑल्सो डाइवर्जेस। सो इट इज़ द कंप्लीट प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम। नाउ लेट मी प्रूव द सेकेंड पार्ट। प्रूफ, रिमेंबर दैट कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दैट इफ दिस सीरीज ए एन कन्वर्जेस देन इट डज नॉट मीन दैट सीरीज बी एन ऑल्सो कन्वर्जेस, राइट? सो नाउ नाउ द कंडीशन इज दैट लिमिट इज ज़ीरो। सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो बाय डेफिनेशन द गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए एन अपॉन बी एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। सो इट इज़ इक्वल टू ए एन अपॉन बी एन इज लेस देन एप्सिलॉन बिकॉज दिस टर्म इज़ पॉजिटिव सो वी एवेल्यूएट दिस मॉडुलस एज ए एन अपॉन बी एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। और वी कैन राइट ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन टाइम्स बी एन फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। सो हेयर ए एन इज़ लेस देन
epsilon times bn. So if the series 1 to infinity epsilon times bn converges, so series 1 to infinity an will also converges, will also converge. So second part has been proved. So it has been proved that if limit n tends to infinity a n upon b n is equal to 0, then b n converges, then summation from 1 to infinity a n also converges. बिकॉज ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ इस सीरीज से बड़ी है, तो अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी तो ये जो छोटी सीरीज़ है, मीन्स इस सीरीज़ की हर टर्म इस सीरीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से छोटी होगी, तो इस ये अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो इससे जो छोटी सीरीज़ है वो भी कन्वर्जेंट होगी. नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट. सो व्हाट इज़ थर्ड पार्ट? इफ़ द लिमिट ऑफ दिस कोशेंट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड द सीरीज़ बी एन डाइवर्जेस, देन द सीरीज़ ए एन ऑल्सो डाइवर्जेस. So proof, if limit n tends to infinity a n upon b n is equal to infinity, so by definition there given g is greater than 0, however large, there exists a positive integer n such that upon b n is greater than g for all n is greater than or equal to n. Means n terms के बाद जो terms हैं वो भी large हैं, यानी g एक बहुत बड़ा number है और जो terms हैं वो इस g से भी बड़ी हैं. Means a n, means this implies that a n upon b n is greater than g. मीन्स जी एक बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी है. सो अगर जी बहुत बड़ा नंबर है तो ये जो टर्म है ए एन अपॉन बी एन, ये जी से भी बड़ी है, राइट? सो वी कैन राइट ए एन इज ग्रेटर देन बी एन टाइम्स जी फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन. नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है, सो सीरीज़ बी एन भी डाइवर्जेंट होगी. मीन्स ये जो जी है ये एक कोई नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर है जो कि बी एन से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो अगर ये सीरीज़ डाइवर्जेंट, इससे जो सीरीज़ बनेगी वो अगर डाइवर्जेंट है तो सीरीज़ बी एन भी डाइवर्जेंट होगी. और ये जो सीरीज़ है ए एन, ये ग्रेटर है इस सीरीज़ से. सो अगर सीरीज़ ये जो कौन सी बड़ी है, ये वाली सीरीज़ बड़ी है और ये सीरीज़ छोटी है, तो अगर ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, सो ऑब्वियसली ये सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी क्योंकि इस सीरीज़ की हर टर्म, इस सीरीज़ की हर टर्म इस सीरीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से बड़ी है. सो अगर छोटी सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो वो सीरीज़ जो कि बड़ी सीरीज़ है, मतलब इससे आगे वाली जो सीरीज़ होंगी उससे बड़ी जो सीरीज़ होंगी वो भी डाइवर्जेंट होंगी क्योंकि इससे छोटी सीरीज़ डाइवर्जेंट है. सो वी कंक्लूडेड दैट इफ सीरीज़ 1 टू इन्फिनिटी बी एन डाइवर्जेस, सो डज सीरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन. सो थर्ड पार्ट has been proved. So I hope it will be productive for you. That's it.